कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो टाइटल पढ़ के आपको पता चल गया होगा कि आज का वीडियो किसके बारे में होने वाला है। सो मैंने मेंस्ट्रुअल कप के बारे में ना कुछ चार पांच शॉर्ट्स डाले थे एंड उन शॉर्ट्स के अंदर आप लोगों ने काफी सारे सवाल पूछे, लाइक बहुत सारे सवाल थे। सो मैं वन बाय वन कमेंट में रिप्लाई दे देती हूँ, बट फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ कन्फ्यूजन हमारे माइंड में रह जाते हैं। तो वो जो सारे सवाल आपने पूछे थे उन सबका जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो बेसिकली आज वीडियो होने वाला है इसके ऊपर, यानी मेंस्ट्रुअल कप के ऊपर, कि मेंस्ट्रुअल कप क्या होता है, क्यों यूज करते हैं, किस लिए यूज करना चाहिए और ये वर्थ इट है या नहीं, क्या इसे यूज करने से दर्द होता है, क्या ये हेल्पफुल रहता है। सो इन सारे सवालों के जवाब मैं इस वीडियो में देने वाली हूँ। सो इस वीडियो को स्किप मत करना, पूरा वीडियो देखना, ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। साथ ही साथ अगर आपके कोई क्वेश्चन का जवाब रह जाता है, कोई सवाल है जो आप पूछना चाहते हैं रिगार्डिंग टू मेंस्ट्रुअल कप, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो अगर आप नहीं जानते कि ये क्या चीज है और किस लिए काम में आती है, तो इस वीडियो को जरूर देखना। इस चीज के बारे में जब आपको पता चलेगा तो आप हैरान रह जाएंगे कि क्या ये सच में इतनी यूजफुल चीज है, इतनी काम की चीज है जो दिख के वाले कप जैसी रही है, बट ये क्या सच में इतनी हेल्पफुल है। सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। सो सबसे पहले ये ऐसी दिखने वाली चीज है क्या, इसको कहते क्या है? सो ये है मेंस्ट्रुअल कप और ये लड़कियां यूज करती हैं पीरियड्स आने पर, जहां पैड यूज किया जाता है उसी के लिए मेंस्ट्रुअल कप भी यूज किया जाता है। पैड्स यूज करने पर हमें रैशेस हो जाते हैं, हर 4 से 5 घंटे बाद हमें पैड्स बदलने पड़ते हैं, कई बार इन्फेक्शन हो जाता है। जनरली ब्लड जो पीरियड्स का होता है वो पैड में जेल फॉर्म में हो जाता है, और अगर आप उसे 4 से 5 घंटे या हैवी फ्लो में ज्यादा देर तक वियर करते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमें इन्फेक्शन देता है, रैशेस देता है, बहुत सारी बीमारियों को जन्म देता है। तो उसी से निजात पाने के लिए डेवलप किया गया है ये मेंस्ट्रुअल कप। एंड लिटरली अगर आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं तो आप जानते होंगे कि पैड के कंपैरिजन में ये बहुत कमाल की चीज है। अगर आप हाउसवाइफ भी हैं, अगर आप जॉब पर भी जाती हैं, ट्रैवलिंग भी करती हैं, जॉब भी करती हैं, तो लिटरली ये चीज आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। सो ये मेंस्ट्रुअल कप आप परचेज कर सकते हैं अमेज़न, फ्लिपकार्ट, सभी साइट्स पे आपको इजीली मिल जाएगी। और ये शुरू होती है रेटिंग लाइक 300-400 से एंड 2000-3000 तक आपको बहुत सारी रेंज में बहुत सारे मेंस्ट्रुअल कप देखने को मिल जाते हैं। सो आपको जो ब्रांड अच्छा लगता है उस ब्रांड का और जिस प्राइस रेंज का आप खरीदना चाहते हैं उस प्राइस रेंज का मेंस्ट्रुअल कप आप इजीली परचेज कर सकते हैं। आजकल मेंस्ट्रुअल कप बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, लाइक पहले पैड्स चलते थे, फिर टैम्पोन्स आया एंड उसके बाद आई ये मेंस्ट्रुअल कप। ये बहुत ट्रेंडिंग में है एंड हमें इसके बारे में बहुत सारे वीडियो देखने को मिलते हैं, इतना हेल्प करता है, ये करता है, वो करता है, पर कहीं ना हमारे दिमाग में सवाल आता है कि एक्चुअली ये वर्थ इट है या नहीं। और ये आपको वही बता सकता है जिसने ये यूज किया है। सो अब जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया था तो मैं उसी साइड थी, आपकी साइड, मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे, बट जब मैंने इसको यूज करना शुरू किया सारे सवालों के जवाब बिल्कुल सॉर्ट आउट हो चुके हैं। और मैं चाहती हूँ कि ये सारे सवाल जो आपके मन में है आज इस वीडियो को देखने के बाद सारे सवालों के जवाब आपको वहां बैठे बैठे मिल जाएं। अच्छा, नेक्स्ट जो कॉमनली क्वेश्चन आता है दिमाग में कि हमें मेंस्ट्रुअल कप कब यूज करना चाहिए, तो जैसा कि इसका नाम है कि मेंस्ट्रुअल कप, तो आपको इसे पीरियड्स के दिनों में ही यूज करना है, बाकी आप इसे कब यूज करेंगे। सो पीरियड्स के दिनों में यूज करना है, बेसिकली अब तक हम लोग पैड्स यूज करते हुए आए थे, सो यहाँ अब मेंस्ट्रुअल कप आ चुका है। मेंस्ट्रुअल कप आपको पीरियड्स के दिनों में शुरू करना है, लाइक 5 दिन का 7 दिन का जितना भी आपका पीरियड टाइम रहता है उसी में आपको मेंस्ट्रुअल कप को यूज करना है। अब आप पूछेंगे कि हमें मेंस्ट्रुअल कप क्यों यूज करना चाहिए, क्योंकि हम पीरियड्स में पैड्स यूज करते हैं, बहुत टाइम से यूज करते हुए आ रहे हैं, बहुत कंफर्टेबल रहता है, सस्ता भी पड़ता है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती है, हम उससे यूज टू हो चुके हैं। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, पैड्स यूज करते हैं हम, पीरियड का ब्लड है वो पैड्स में जेल फॉर्म में लॉक हो जाता है और वो हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं इस तरीके से टच होता रहता है, जिसकी वजह से हमें यूट्रस कैंसर तक भी हो जाता है। ये सबको नहीं होता है, ये ऐसा नहीं है कि आप पीरियड्स अभी शुरू हुए हैं पैड्स यूज कर रहे हैं और आपको कैंसर हो जाएगा। बट आप सोचिए कि एक लाइफ टाइम में जो एक लड़की है वो 10,000 से 15,000 तक अपना पैड्स यूज कर सकती है, डिपेंड ऑन देयर फ्लो या पीरियड कब शुरू हुआ उसके हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। बट अगर हम डाटा चेक करेंगे तो एटलीस्ट 10,000 पैड एक लड़की अपने लाइफ टाइम में यूज करती है, तो आप सोचिए उसने कितने पैड यूज किए हैं, कितनी बार उसका वो यूट्रस उसमें टच हुआ होगा, कितनी बार उसको वो इन्फेक्शन होने का खतरा हुआ होगा,
और ये कितना अनहाइजेनिक है, इसलिए मेंस्ट्रुअल कप का यूज किया जाता है। पैड यूज करने से बहुत सारे इन्फेक्शन हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती है, यूट्रस कैंसर तक हो जाता है और लिटरली हम एनवायरमेंट को कितना नुकसान पहुंचाते हैं। 10,000-12,000 पैड्स लिटरली अगर एक लड़की यूज कर रही है तो कितनी सारी लड़कियां कितने पैड्स यूज करेंगी और वो कितना एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। अब सवाल आता है कि 200-300 का भी मेंस्ट्रुअल कप है, 1,000 and 2,000 का भी मेंस्ट्रुअल कप है, तो इसमें फर्क क्या है? इसमें क्वालिटी का फर्क रहता है, साथ ही साथ मटेरियल का भी फर्क रहता है। आप देखेंगे कि मेंस्ट्रुअल कप प्राइस रेंज के हिसाब से कुछ हार्ड मटेरियल में भी आते हैं, सॉफ्ट मटेरियल में भी आते हैं, कुछ आते हैं 3-4 साल के लिए आप यूज कर सकते हो, कुछ आते हैं कि 10 साल तक, केवल एक मेंस्ट्रुअल कप आप 10 साल तक यूज कर सकते हो। सो प्राइस रेंज के हिसाब से उसकी क्वालिटी पर, उसके मटेरियल पर फर्क पड़ता है। सो इसमें क्या मटेरियल हार्ड भी आता है, सॉफ्ट भी आता है, ज्यादा हार्ड नहीं आता है, पर हाँ अगर डिफरेंशिएट करूं तो हार्ड भी आता है सॉफ्ट भी आता है। सो अगर आप पहली बार यूज कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं, सो आप सॉफ्ट मटेरियल का मेंस्ट्रुअल कप लीजिएगा ताकि इजीली फोल्ड हो जाए, इजीली इंसर्ट हो जाए। और अगर आप काफी टाइम से यूज कर रहे हैं तो आप हार्ड मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं, और अगर आप मम्मी हैं तो आप हार्ड मटेरियल का यूज कर सकते हैं। सो लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप इससे यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट डिमांड में आता है कि पैड्स तो बहुत सस्ते पड़ते हैं, मेंस्ट्रुअल कप हमें क्यों यूज करना चाहिए? सो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मान लीजिए 500 का लेते हैं, 400 का लेते हैं, 700 का भी लेते हैं एक मेंस्ट्रुअल कप, सो एक मेंस्ट्रुअल कप आपका चलता है 10 साल तक, 8 से 10 साल तक एक मेंस्ट्रुअल कप चलता है। अब आप सोचिए आप एक पैड का पैकेट लेके आते हैं, वो आपको कितने का पड़ता है? 40 का पड़ता है, 50 का पड़ता है, आप उसको कितना यूज करते हैं? किसी को एक पैड का पैकेट लगता है, किसी को दो लगता है। अब सोचिए अगर आप 10,000-12,000 पैड्स यूज कर रहे हैं तो उसमें कितना अमाउंट आपने खर्च किया, उसके बाद वो एनवायरमेंट को भी नुकसान कर रहा है, उसके बाद वो आपकी हेल्थ को भी डैमेज कर रहा है। लेकिन ये मेंस्ट्रुअल कप आप खरीदते हैं 300-400-500 रुपए में और 10 साल तक चल जाता है, कितना सस्ता पड़ गया? खुद सोच के देखिए कि कितना सस्ता पड़ गया ये मेंस्ट्रुअल कप आपको। सो ये पॉकेट फ्रेंडली भी है, हेल्थ के हिसाब से भी अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए भी अच्छा है, और आप मेंस्ट्रुअल कप यूज करने के बाद एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं, जो काम आप सोचते हैं कि पीरियड्स आ गए हैं अब हम नहीं कर सकते हैं, 5 दिन के लिए बंद हो चुके हैं, पैक हो चुके हैं, इसको यूज करने के बाद आप सब कुछ कर सकते हैं, लिटरली सब कुछ कर सकते हैं। एक चीज मेरे दिमाग में आई, वो चीज मैं जरूर शेयर करूंगी। लिटरली क्या होता है कि जब हमारे पीरियड्स आ जाते हैं तो हमें रात को नींद अच्छे से नहीं आती है। आप कितने महंगे से महंगा पैड यूज कर लीजिए, नाइट सेफ्टी वाला पैड यूज कर लीजिए, पर कहीं ना कहीं टेंशन रहती है कि यार कहीं लीकेज ना हो जाए, कपड़े खराब ना हो जाए, सुबह उठेंगे तो कपड़े खराब ना मिले। बट मेंस्ट्रुअल कप को यूज करने के बाद आपको लीकेज की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। इसको कैसे यूज करना है, कैसे आप लीकेज की प्रॉब्लम से भी बच जाएंगे, वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बट अगर आप सोच रहे हैं ना मेंस्ट्रुअल कप यूज करने का, यही सही टाइम है, पैड्स को साइड में कर दीजिए और बस मेंस्ट्रुअल कप को यूज करना आज से, अभी से, इसी बार से शुरू कर दीजिए। हमारे इंडिया में ही है जो मेंस्ट्रुअल कप अभी इतना रूटीन में नहीं आया है, इतना लोग नहीं यूज करते हैं, अभी भी लोग मेंस्ट्रुअल कप की जगह पैड्स यूज करना ज्यादा प्रेफर करते हैं। इवन गांव में तो अभी भी कपड़ा यूज किया जाता है, पैड भी नहीं यूज किया जाता है, कपड़ा यूज किया जाता है ताकि पैसे खर्च ना हो, पैसे की वजह से। सो उनकी इनकम भी कम होती है, इस वजह से वो कपड़ा यूज कर लेती है लेडीज, बट वो भी बहुत हेल्थ को नुकसान पहुंचाता है, पैड पहुंचाता है तो कपड़ा तो कहाँ नुकसान पहुंचाएगा, बहुत ज्यादा। सो मैंने सोचा कि मुझे भी मेंस्ट्रुअल कप यूज करना है और मुझे करना ही है, देखा ही जाएगा जो होगा। सो मैंने मेंस्ट्रुअल कप ऑर्डर कर दिया, एंड जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम यूज करा तो बहुत सारी चीजें दिमाग में आ रही थी, कहीं मैंने उसको इंसर्ट किया तो वो अंदर तो नहीं चला जाएगा और बाहर कैसे आएंगे, बिल्कुल अंदर चला गया डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, डॉक्टर को बताएंगे क्या कि मतलब किस चीज के लिए हम उनके पास आए। सो लिटरली बहुत सारी चीजें ऐसी दिमाग में आती है, और एक तो सबसे डराती है कि हम जब उसको इंसर्ट करेंगे तो वो बॉडी के अंदर तो नहीं चला जाएगा, उसको निकालेंगे कैसे, उससे कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा। सो ये सारी चीजें ना बहुत दिमाग में आती है, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ। सो जब मैंने मेंस्ट्रुअल कप फर्स्ट टाइम यूज किया था ना, तो मेरे साथ क्या चीज हो गई थी, जब हम वीडियो वगैरह देखते हैं तो बड़ा एक्साइट हो जाता है कि हाँ यूज करेंगे, बट जब आप उसे प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती है, लाइक इंसर्ट करने में प्रॉब्लम आती है, दूसरी चीज आती है साइज का हमें पता नहीं होता कि हम किस साइज का मेंस्ट्रुअल कप यूज करें, तीसरा हम उसे कैसे यूज करें, और चौथा कि कोई टीनेजर है वो सोच रही है मुझे यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, मैरिड है वो सोच रही है कि अब हमें यूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो बहुत सारे सवाल ना हमारे दिमाग में आ जाते हैं। तो वही चीज मैं आपको आज इस वीडियो के थ्रू क्लियर करना चाहती हूँ। सो 2-3 दिन जब मैंने यूज किया था ना, मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल लगा था, लिटरली मुझे अनकंफर्टेबल लगा था, या बोल सकते हैं कि पहले जो मैंने फर्स्ट मंथ जो मैंने उसको यूज किया था पीरियड्स में, अनकंफर्टेबल लगा था,
बट मुझे बहुत सुकून मिला था. लाइक लीकेज वाली प्रॉब्लम नहीं हुई थी मुझे, लकीली मुझे लीकेज वाली प्रॉब्लम नहीं हुई थी. बेसिकली फर्स्ट टाइम करते हैं तो होती है, वो मैं आगे आपको बताऊंगी, बट मुझे नहीं हुई थी. सो जब मैंने सेकंड मंथ यूज किया, थर्ड टाइम यूज किया, तो मुझे लगा बस ये चीज मुझे पहले मिल जाती, मेरी टीन एज में मिल जाती तो मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती. स्कूल के टाइम में, कॉलेज के टाइम में इतनी प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती. सो अब मुझे मिल गई तो मुझे लगा ये चीज आपके साथ शेयर करनी चाहिए. सो मेरे वीडियोस में बहुत सारे कमेंट थे, उन सब के जवाब आपको इसमें मिल जाएंगे. सो किसी ने मेरे लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था कि क्या मेंस्ट्रुअल कप टीनेजर यूज कर सकती है, या हमारी शादी नहीं हुई है हम मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं, हाइमन टूटने का इसमें खतरा रहता है क्या. सो इस तरीके के बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास आए थे. एक चीज मैं आपको क्लियरली मेंशन कर दूं कि आज के टाइम में हाइमन कहीं भी वैल्यू नहीं रखती है. आज की लड़कियां, आज की गर्ल्स स्पोर्ट्स में है, डांस में है, किस फील्ड में नहीं है, प्रैक्टिकली वो हर फील्ड में है, हर चीज में कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है. सो आज के टाइम में अगर आप ये सोच रही है कि हाइमन जैसी चीज पे इतना फोकस करके आप सोचती है हाइमन टूट जाएगी, मेंस्ट्रुअल कप नहीं यूज करेंगे, तो यार हाइमन टूटना ज्यादा जरूरी है या फिर आपके लिए आपका कंफर्टेबल ज्यादा जरूरी है, आपका सुकून ज्यादा जरूरी है, आपकी चैन ज्यादा जरूरी है. सो लिटरली अगर आप हाइमन का सोच रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज बेसिकली क्लियर कर दूं कि आजकल की लड़कियां उतने ही लड़के वेल एजुकेटेड हैं, उनको भी पता है कि आजकल क्या चीज चल रही है, किस चीज से लड़कियों को आराम मिल सकता है, सो क्या चीज उनके लिए बेनिफिशियल रहती है. सो हाइमन वाली चीज को ना दिमाग से निकाल दो. सो मेंस्ट्रुअल कप टीनेजर भी यूज कर सकती है, अनमैरिड गर्ल्स भी यूज कर सकती है, मैरिड तो यूज कर ही सकती है. सो बेसिकली आप किसी भी एज ग्रुप के हो, अगर आपको पीरियड्स आते हैं तो हाँ आप मेंस्ट्रुअल कप यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया था कि मेंस्ट्रुअल कप कौन से साइज का ले दी, हमें पता ही नहीं चलता, मतलब मैं स्कूल जाती हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं मैरिड हूँ. सो बहुत सारे सवाल आते हैं कि कौन से साइज का मेंस्ट्रुअल कप ले. सो मैं यहाँ आपको दो मेंस्ट्रुअल कप दिखा रही हूँ. ये वाला मेंस्ट्रुअल कप है स्मॉल साइज का एंड ये वाला है मिडिल साइज का. सो आप साइज में फर्क देख सकते हैं इसके अंदर, ये बड़ा है ये छोटा है. सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज कर रही हैं, टीनेजर है, शादी नहीं हुई है, और अगर पहली बार यूज कर रही है मेंस्ट्रुअल कप, सो हमेशा स्मॉल साइज में ही जाइए. ये बहुत छोटा साइज होता है और आपको इजीली फिट भी हो जाएगा. सो अगर आप टीनेजर हैं, पहली बार यूज कर रही हैं, हमेशा स्मॉल साइज में ही जाइए. तो अगर आप मैरिड हैं और अगर आपके बेबी नहीं हुआ है, आप शादीशुदा हैं, आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, सो आपको यहाँ पे हमेशा एम साइज के लिए जाना चाहिए, क्योंकि एस साइज आपके लिए बहुत स्मॉल होगा. और अगर आप फिजिकली इन्वॉल्व हैं, सो आप एम साइज में जाइए, ये आपको बहुत इजीली फिट हो जाएगा. सो यहाँ एक साइज और आता है, वो है लार्ज, क्योंकि वो मैंने यूज नहीं किया है, मेरे पास नहीं है. अगर आप मॉमी है, यानी अगर आपका बेबी है, एक है दो है मैटर नहीं करता, बट अगर आपके बेबी है तो आप एल साइज के लिए जाइएगा. सो आपका जो सर्विक्स है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है बेबी बर्थ के बाद, तो आपको वहां पे एल साइज ही फिट आएगा, तो आप एल साइज के लिए जा सकते हैं. अब मैं आपको बताऊंगी कि मेंस्ट्रुअल कप को कैसे यूज करना है और मैंने किस मेथड से यूज किया था. लाइक नेट पे आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे, पर प्रैक्टिकली जो मैंने यूज किया और बहुत इजीली उससे मुझे हेल्प मिली उसको यूज करने में, वो चीज मैं आपको बताऊंगी. बट एक चीज मैं यहाँ मेंशन कर दूं कि जब आप फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुअल कप यूज करें और जब तक आपको अपने हिसाब का फिट साइज नहीं मिल जाता, सो आपको हमेशा मेंस्ट्रुअल कप पैड के साथ ही यूज करना है. मेंस्ट्रुअल कप को यूज करना है एंड साथ में आपको अपने अंडरवियर में, पैंटी में पैड भी पेस्ट कर लेना है, ताकि अगर लीकेज होती है तो वहां पे आप अपने कपड़ों को बचा सकते हैं, दाग धब्बा नहीं लगेगा. सो आप हमेशा पैड के साथ यूज करें, एक महीना यूज कर ले, सेकेंड मंथ पीरियड्स आता है, अगर आप कंफर्टेबल हैं तो आप पैड्स मत यूज करना, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है तो आप पैड्स यूज कर सकते हैं. मैंने जब फर्स्ट टाइम यूज किया था, मैंने पैड यूज किया था, मेंस्ट्रुअल कप इंसर्ट किया था, पैड भी लगाया था, क्योंकि मैं रिस्क नहीं लेना चाहती थी. फर्स्ट टाइम में कोई भी फिट नहीं होता है, एक बार कोई चीज यूज करते हैं तो एकदम से हमें चीज नहीं समझ में आती है, सो पैड जरूर यूज कर लेना. मेंस्ट्रुअल कप मैंने यूज किया था तो मैंने स्मॉल साइज मंगवाया था. लिटरली आप पहली बार यूज करते हैं तो स्मॉल साइज ही मंगवाइएगा. मैंने भी स्मॉल साइज ही मंगवाया था और मैं अभी भी इसे यूज करती हूँ. देन बाद में मुझे लगा कि हैवी फ्लो के दिन मुझे स्मॉल साइज की जगह मिडल साइज यूज करना चाहिए, क्योंकि ये छोटा पड़ता है, हैवी फ्लो होता है, ये कप है इसका एरिया छोटा पड़ता है, तो मैंने एम साइज में मंगवा लिया. सो हैवी फ्लो के दिन मैं एम साइज यूज करती हूँ, एंड थर्ड डे, फोर्थ डे या फिफ्थ डे जब मुझे कम होने लग जाता है फ्लो,
तो मैं हमेशा स्मॉल साइज यूज करती हूँ। सो इस तरीके का रूटीन आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये है मेंस्ट्रुअल कप और आपको कैसे यूज करना है, फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं उनके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। इस तरीके से आपको मेंस्ट्रुअल कप लेना है, इस तरीके से बेंड कर देना है और इसको हाफ कर लेना है, ऐसे बस इस तरीके से आपको हाफ कर लेना है। फिर से बताती हूँ मैं, ये वाला मेंस्ट्रुअल कप है, आपको इसको ऐसे पिचका देना है, फोल्ड कर देना है एंड इस तरीके से आपको इसे हाफ कर लेना है। ये बिल्कुल आधा हो जाएगा, आप देख रहे हैं इसका जो ये एरिया है ये कितना छोटा हो गया है, बहुत छोटा एरिया हो गया, लाइक इतना सा हो गया है। इसको आपको वेजाइना में इंसर्ट करना है, सर्विक्स में इंसर्ट करना है एंड आप इसे इजीली यूज कर पाएंगे। मैंने यही मेथड यूज किया था, इसका एरिया बहुत छोटा हो गया था फर्स्ट टाइम। थोड़ा सा आपको अनकंफर्टेबल रहेगा पर लिटरली अगर आप मुझ पर विश्वास करते हैं तो मैं आपको बोल रही हूँ इसको यूज कीजिए। एक बार आपने इसको यूज कर लिया ना, पैड वैड सब उठा के बाहर फेंक दोगे, आप पैड कभी जिंदगी में यूज नहीं करोगे। मैंने इसको यूज करने के बाद पैड कभी यूज नहीं किया, इसको ही यूज करती हूँ, इसको ही पर्स में कैरी करके रखती हूँ और लिटरली ये बहुत अमेजिंग वर्क करता है। एक दूसरा मेथड आपको और बता देती हूँ जो मैंने यूज नहीं किया है बट मुझे लगता है वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए भी। आपको क्या करना है, ये कप लेना है एंड यहाँ से सेंटर में रख के आपको इसको प्रेस कर देना है। जब आप इसे प्रेस करके फिंगर निकालेंगे तो ये इतना सा हो जाएगा, इसका जो ये एरिया है ये बहुत कम हो जाएगा एंड आप देखेंगे कि इसका जो ये एरिया है ये बहुत छोटा हो गया है, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया है और आप इसे इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। अब ये हमारी वेजाइना होती है, सो वेजाइना के अंदर जब आप इसको इस तरीके से इंसर्ट करेंगे तो इंसर्ट करने के बाद जब आप इसे छोड़ेंगे तो ये अपने आप इस तरीके से स्पेस पूरा जो है कवर कर लेगा, आपका जो सर्विक्स है उसकी जो बाउंड्री होती है उसमें अपने आप ये वैक्यूम क्रिएट कर देगा। सो पीरियड का जो भी ब्लड होगा जो यहाँ से निकलेगा, इसकी वॉल से निकलेगा, वो इस तरीके से मेंस्ट्रुअल कप के अंदर कलेक्ट हो जाएगा और कोई भी लीकेज नहीं होगी, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दौड़िए, डांस करिए, कूदिए, स्विमिंग कीजिए, आराम से कुछ भी कीजिए, आप आराम से कम कर सकते हैं। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको, मैं किसी को देखकर कुछ नहीं बता रही हूँ, ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मेंस्ट्रुअल कप आप 8 से 10 घंटे तक यूज कर सकते हैं और अगर आपको नॉर्मल से ज्यादा फ्लो होता है तो भी आप 5 से 6 घंटे आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं और इजीली ये कहीं भी गुम नहीं होती है। सो कभी भी मत सोचना कि ये आपके पार्ट्स के अंदर चली जाएगी, बॉडी के अंदर चली जाएगी, सो ये कभी भी गुम नहीं होती, कहाँ जाएगी यार, आगे जाके रास्ता बंद होता है। सो लिटरली ये कहीं नहीं जाने वाली है, यही रहती है और जब भी आपको चेंज करना हो, आपको रिमूव करना हो, आपको केवल अपनी वजाइना के अंदर, अपनी सर्विक्स के अंदर फिंगर को इस तरीके से करना है एंड इस तरीके से आप जो टिप है उसकी पकड़ के निकाल लेंगे और ये लिटरली आराम से निकल जाती है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आपको क्या करना है, यहाँ पे हल्का सा इसको यहाँ प्रेस करके पकड़ना है एंड इजीली निकाल लेना है, बहुत इजीली निकल जाएगा। बहुत हार्ड लग रहा है देखने में और सुनने में बट एक दो बार ट्राई करेंगे आपको बहुत इजीली इसको यूज कर पाएंगे और बहुत कंफर्टेबल आप इसमें रहने वाले। लास्ट में मैं आपको ये और बता देती हूँ कि इसे वॉश कैसे करना है। पीरियड्स के अंदर आपको क्या करना है, जब आप इसे चेंज करेंगे तो आपको नॉर्मली निकालना है इसे, उसको पानी से वॉश करना है एंड दोबारा इंसर्ट कर लेना है, बस। किसी साबुन, किसी लिक्विड सोप से आपको इसको धोने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब एक पीरियड का साइकिल आपका पूरा हो जाता है तो जब आप इसे पैक करके रखते हैं तो इसे गर्म पानी के अंदर, गुनगुने पानी के अंदर स्टरलाइज करें और जब आप इसे नेक्स्ट पीरियड साइकिल में यूज करती हैं, जैसे आपको पता है कि आपके एक दो दिन में पीरियड आने वाले हैं, तो आप इसे स्टरलाइज कर सकती हैं। वो आपकी सेफ्टी पर्पज से है, पर क्योंकि आपने स्टरलाइज करके रखा होता है, दोबारा नहीं कर पाती हैं, तो भी सेफ रहता है क्योंकि पहले से किया हुआ है, तो इसमें कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी बैक्टीरिया की टेंशन नहीं रहती है एंड पीरियड साइकिल के दौरान आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर सकती हैं। सो ये था आज का वीडियो, आई होप मैंने आपके बहुत सारे सवाल, बहुत सारे डाउट्स को आज क्लियर कर दिया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, किसी भी एज ग्रुप के हो, आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप कमेंट सेक्शन में पब्लिकली कुछ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हैं। मैं मेल आईडी, इंस्टाग्राम की आईडी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, चेक जरूर कर लेना। और अगर आप चाहते हैं मेंस्ट्रुअल कप के बारे में और डिटेल से वीडियो बनाऊं, लाइक इनकी कंपनी के बारे में, प्राइस के बारे में, कुछ भी अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आपके लिए वीडियो जरूर लेके आऊंगी। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, रही हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो
तो सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन हिट कर देना ताकि जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आने वाली है जो कि बहुत ही नॉलेजेबल रहेंगी आपके लिए। जो सवाल आप नहीं पूछ पाते हैं किसी से, यहाँ आपको उनके सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखना। बाय बाय।